चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का लेक्चर नंबर थर्ड। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने पाइथन के लेक्चर नंबर वन पे इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर टू में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करते हैं, ये भी हमने देखा था, राइट। और आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको पाइथन के लेक्चर नंबर वन में ये बात बताई थी और लेक्चर नंबर टू में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों 99% लोगों को ये पता होता है कि पाइथन इंटरप्रेटेड की तरह काम करता है, ठीक है। 99% लोगों को ये बात नहीं पता होता कि पाइथन इंटरप्रेटेड की तरह काम तो करता है लेकिन साथ में कंपाइलिंग का प्रोसेस भी करता है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यही प्रूफ करूंगा कि पाइथन कंपाइलिंग का प्रोसेस भी करता है, और ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगा। तो पाइथन पहले कंपाइल करता है, कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है, और बाइट कोड फिर जब आपके मशीन में रन हो रही होती है तब जाकर इंटरप्रेटेड का प्रोसेस चलता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब सवाल आती है, सर ये चीजें प्रूफ करने के लिए प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा, लेकिन आपने अभी तक तो हमें प्रोग्राम राइट करने का कोई सिंटेक्स, कोई तरीका बताया ही नहीं। तो आप सीध इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करेंगे, सवाल आएगा ना। या तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करूं। अब जब मैं अगर आपके सामने कोई छोटा सा प्रोग्राम राइट करूंगा, सिंटेक्स यूज करूंगा, लूप यूज करूंगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे क्या टाइप कर रहे हो। आप बोलोगे सर पहले एक आध छोटा सा प्रोग्राम राइट करना आप सिखा देते फिर ये चीज बताते। नहीं, तो मैं चाहता हूं कि पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फिर समझाऊंगा कैसे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एक बना बनाया प्रोग्राम इंटरनेट से उठा लेंगे और उस प्रोग्राम के सिंटेक्स को हम लोग अभी नोटिस नहीं करेंगे, राइट। उस प्रोग्राम का सिंटेक्स कैसा है वो सब हम लोग आगे जाके सीखेंगे पूरा इनिशियल स्टेज से। बस ऐसा समझिए कि वो बना बनाया प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इस वीडियो में हमारा फोकस है कंपाइलिंग के प्रोसेस को समझना। समझ आ गई मेरी बात यहां पर? तो इस वीडियो में मैं एक बना बनाया प्रोग्राम इंटरनेट से उठाऊंगा और उसे रन करते टाइम मैं आप लोगों को कंपाइलिंग के प्रोसेस को दिखाऊंगा। तो चलो, बना बनाया प्रोग्राम कहां पे है, ये साइट है, देख सकते हैं आप, www.gigsforgigs.org। ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां से आप प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, राइट। बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं यहाँ पर। तो इस साइट के अंदर पाइथन पे एक प्रोग्राम लिखा गया है कैलकुलेटर बनाने का, GUI कैलकुलेटर, देख सकते हैं ये प्रोग्राम है पूरा, इस तरीके से कैलकुलेटर बन के आएगा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, सिंटेक्स वगैरह क्या है, लेकिन अभी भूल जाइए, अभी सिर्फ कंपाइलिंग के प्रोसेस पे ध्यान रखिए। तो ये प्रोग्राम को चुपचाप मैं यहां से कॉपी कर लिया, बस ऐसे कॉपी किया, अपना नोटपैड ओपन करता हूं, यहां पे मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मैंने फाइल में आया और सेव अस। कहां सेव करता हूं, आपको पता है मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक फोल्डर बनाया था पाइथन प्रोजेक्ट नाम का डेस्कटॉप में, ये देखिए इसी फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूं। समझ आ गई बात यहां पर? और फाइल का नाम लिख लेता हूं कैलकुलेटर, PY, ठीक है, calculator.py। और ये मैंने सेव कर लिया। चलो, ये रहा वो फोल्डर, ऑलरेडी ओपन है, देख सकते हैं, या बंद करके फिर से ओपन कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। अब इसे रन कैसे करेंगे, तो CMD में जाइए और जहां पे आपका प्रोग्राम है उस पाथ में जाइए। तो मैं अभी CD करके डेस्कटॉप में जाता हूं और डेस्कटॉप के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर पे गया और ये रहा मेरा प्रोग्राम कैलकुलेटर.py। इसको रन कैसे करते हैं, इसको रन करने का
ये तरीका है कैलकुलेटर, ये कमांड। तो अगर मैं ये कमांड एंटर मारूंगा तो क्या होगा, ये कमांड मैं एंटर मारूंगा तो ये तो अभी सोर्स कोड है, ये तो सोर्स कोड है ना अभी। तो जैसे मैं कमांड एंटर मारूंगा तो सोर्स कोड क्या होगा पता है, कंपाइल होगा, कंपाइल होके बाइट कोड बनेगा, बाइट कोड बनने के बाद फिर वो मेरे सिस्टम में रन होगा, और जब रन होगा तो पीवीएम उसे रन करेगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस आपको नहीं दिखाई देंगे, राइट। देखो एंटर मारा मैंने तो देख सकते हो सीधे आपको प्रोग्राम रन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी आपको बाइट कोड वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, राइट। प्रोग्राम रन हो रहा, जैसे ही बंद किया प्रोग्राम बंद हो गया और बाइट कोड वगैरह भी डिलीट हो गए। थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में समझा देता हूं क्या हुआ अभी जो मैं एंटर मारा था, समझिए क्या हुआ। बैकएंड में ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, माय लैपटॉप। मेरे लैपटॉप में मैंने एक प्रोग्राम फाइल बनाई जिसका नाम क्या रखा मैंने, कैलकुलेटर डॉट पी वाई। बहुत बड़ी फाइल है ना, प्रोग्राम फाइल आपने देखा भी, ऐसे मैं सैंपल आपको समझाने के लिए ये मैंने कर दी, ठीक है। चलो तो एक प्रकार से ये क्या है, ये तो मेरे लिए सोर्स कोड है। अभी मैंने कमांड क्या मारा अपने कंसोल पे, मैंने अपने कंसोल पे कमांड मारा पाइथन और प्रोग्राम फाइल का नाम, यही किया मैंने कंसोल पे। तो क्या हुआ आपके सामने, सीधे कैलकुलेटर ओपन होके आ गया, ये लो एंटर मारा, क्या हुआ कैलकुलेटर ओपन होके आ गया, यही कैलकुलेटर ओपन है ना। लेकिन बैकएंड में क्या हुआ इसको समझिए, बैकएंड में क्या हुआ, इसने किया पहले कंपाइल, क्या किया इसने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसने क्या किया, इसने बनाया बाइट कोड, इसने बनाया बाइट कोड, ठीक है बाइट कोड बनाया, उसके बाद बाइट कोड को रन भी किया, कहां रन किया मेरे ही लैपटॉप में, क्योंकि अभी प्रोग्राम मैं ही अपने प्रोग्राम अभी मेरे ही लैपटॉप में बन रहा है और मेरे ही लैपटॉप में रन हो रहा है, तो मेरे ही लैपटॉप में प्रोग्राम रन हुआ, कहां हुआ मेरे ही लैपटॉप में, ये मेरा लैपटॉप है। लेकिन कैसे प्रोग्राम रन हुआ जरा बताइए, आपको पता होगा पीवीएम के थ्रू, किसके थ्रू पीवीएम के थ्रू, मेरे लैपटॉप में पीवीएम है। अब आप बोलिए सर आपने पीवीएम कब डाला, पहले लेक्चर में भी नहीं डाला, दूसरे में भी नहीं डाला, पीवीएम का डाल दिया। तो दोस्तों जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो उसके साथ इनबिल्ट ही पीवीएम आ जाता है, आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये जो प्रोग्राम मैंने रन किया, राइट, ये प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे रन किया तो क्या हुआ, सोर्स कोड कंपाइल हुआ, कंपाइल होके बाइट कोड बना, बाइट कोड बनने के बाद बाइट कोड मेरे लैपटॉप में रन हुआ, कैसे रन हुआ पीवीएम के थ्रू, किसके थ्रू रन हुआ पीवीएम के थ्रू, मेरे लैपटॉप में रन हुआ, और पीवीएम ने क्या किया कन्वर्ट किया उसे मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन किया, और ये मुझे डिस्प्ले में दिखा रहा जो मेरे रन हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को देखो बंद कर दिया, बस। तो इसने सब कुछ बनाया, बाइट कोड भी बनाया, लेकिन बाइट कोड बनाया सब डिलीट भी कर दिया, आपको कुछ दिखाना नहीं चाहता, यही तो बोलता है पाइथन, बैकएंड में सब हुआ लेकिन आपको कुछ दिखा नहीं। लेकिन आप देखना चाहते हो भाई कंपाइल होता है तो बाइट कोड बनता है, मैं देखना चाहता हूं बाइट कोड, तब तो प्रूफ होगा ना कि हाँ कंपाइल हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हो बाइट कोड तो फिर आप फोर्सफुली करो भाई पाइथन के साथ, फिर आप पाइथन को बोलो यार मैं देखना चाहता हूं कंपाइलिंग का प्रोसेस, मैं देखना चाहता हूं कहां आप बाइट कोड बनाते हो। तो उसके लिए फिर आपको आपको कमांड मारनी पड़ेगी पाइथन माइनस एम, एम फॉर स्विच, और यहां पर पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल,
और प्रोग्राम का नाम। तो अब ये कमांड पता क्या करेगी, ये कमांड जब मैं रन करूंगा तो सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल करके बाइट कोड बनाएगा, बाइट कोड बना के छोड़ देगा, प्रोग्राम को रन नहीं करेगा पूरा, बाइट कोड बना के छोड़ देगा बस, ये रन नहीं करेगा, रन आप कर लीजिएगा बाद में, सिर्फ यहीं तक का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि मैंने फोर्सफुली बोला ना। अब बाइट कोड दिखेगा कहां आपको, कहां सेव होगा बाइट कोड, तो आपका प्रोग्राम जिस फोल्डर के अंदर है ना, उसी फोल्डर के अंदर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाइकैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर बाइट कोड पड़ा रहेगा, बाइट कोड रन नहीं होगा। देखना, एंटर मारता हूं, देखो ये लो, ये हैंग हो गया लैपटॉप, कभी कभी ऐसा हो जाता है, दोबारा टाइप कर लेते हैं। राइट, तो ये देखो बन गया फोल्डर, अब प्रोग्राम देखो रन नहीं हुआ, पहले क्या था, रन हुआ था तो कैलकुलेटर खुल गया था ना, देखो प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ अभी, तो इस फोल्डर के अंदर देखो ये बाइट कोड है, देख सकते हो आप लोग, ये बाइट कोड आ गया। तो बाइट कोड कैसे मिला, कंपाइल होके मिला, और बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है, .pyc, इंटर में पूछा जाता है। इस बाइट कोड को जरा ओपन करें कैसा दिखता है, ये देखो बाइट कोड, ये इतनी सारी लाइन है। अब बाइट कोड को आप खुद रन करिए, है ना, अब बाइट कोड देखो मैं खुद रन करता हूं, कैसे रन करूंगा बाइट कोड, जैसे आप प्रोग्राम को रन किए थे ऐसे बाइट कोड को रन कर लीजिए। तो बाइट कोड है कहां पे, अभी अभी DIR करूं तो इस फोल्डर के अंदर बाइट कोड है ना, तो इस फोल्डर के अंदर चलिए आप पहले, ठीक है। अब देखो बाइट कोड को मैं रन करता हूं, वैसे जैसे प्रोग्राम रन होता है, ये लो बाइट कोड रन किया, ये खुल गया कैलकुलेटर। तो नीचे का प्रोसेस मैंने अब किया, मतलब प्रोसेस को आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंपाइलिंग का प्रोसेस अलग और नीचे का प्रोसेस आप अलग कर दिया, देख रहे हो यहां पर, ठीक है ना। यहां पर PVM अपना काम किया, इंटरप्रेटेड जैसा वो करता है, बंद किया ये लो, और देखो बाइट कोड डिलीट भी नहीं हुआ, अब आपके पास बाइट कोड भी अवेलेबल है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है यार मुझे प्रोग्रामर का प्रोग्राम का बाइट कोड चाहिए, तो इस तरीके से आप दे सकते हो बाइट कोड, समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, अभी देखो आपने एक प्रोग्राम बनाया और आप एक डेवलपर थे, आप एक प्रोग्रामर थे, आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम की टेस्टिंग करने के लिए आपने इस तरीके से टेस्ट कर लिया है ना, इस तरीके से रन करके आपने टेस्ट कर लिया, एक तो आपने देखो डायरेक्ट रन कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस है सब कुछ ठीक है, तो आपने इस तरीके से डायरेक्ट रन करके देख लिया, टेस्टिंग वगैरह कर ली, ठीक है, एक तो आपने बाइट कोड निकाल के भी देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है ये किसी कस्टमर को देना है, अगर ये प्रोग्राम आप किसी कस्टमर को देते हो, अपने क्लाइंट को देते हो, तो क्या आपका क्लाइंट भी इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन किया करेगा कमांड से, वो तो परेशान हो जाएगा, उसको तो ये सारी कमांड नहीं पता होगी ना। क्लाइंट और कस्टमर क्या बोलता है, बोलता है यार एक आइकन दे दो, डबल क्लिक करूं खुल जाए, जैसे .exe फाइल होती है, ऐसे तो बोलते हैं ना क्लाइंट और कस्टमर, सारे कंपनी तो ऐसे ही करती है भाई, माइक्रोसॉफ्ट अपना एमएस ऑफिस कैसे देती है, बोलती है .exe फाइल है उसमें क्लिक करो चालू हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एडोब एडिटर बोलते हैं .exe क्लिक करो, डबल क्लिक करो कस्टमर को चालू हो जाएगा, ऐसे तो होता है ना। तो मैं भी चाहता हूं कि ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये मैं अपने कस्टमर को दूं, पूरा फ्रीज करके पूरा एग्जीक्यूट फाइल बना के दूं। तो कैसे बनेगा एग्जीक्यूट फाइल भाई, तो देखिए कैसे एग्जीक्यूट फाइल बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये पहले डिलीट मारता हूं, देखो एग्जीक्यूट फाइल बनाने के लिए आपको ना पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा, PY इंस्टॉलर के थ्रू, PY इंस्टॉलर कमांड के थ्रू आपको कंपाइलिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, पहले तो पिप इंस्टॉल PY, अब पिप आपके पास पहले से इंस्टॉल हो जाता है, आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पिप आ जाता है, तो पिप का वर्जन चेक कर लो आप, ठीक है। और मैंने यहां पर पिप PY इंस्टॉलर मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। अब देखो
py installer और प्रोग्राम का नाम, अब देखना क्या होगा, देखते जाओ, पूरी एग्जीक्यूट फाइल बन के आएगी। अब डन हो गया, देख सकते हो। तो जब आपने ये कमांड्स किया पी वाई इंस्टॉलर और अपना प्रोग्राम फाइल का नाम, तो देखो कंपाइल भी हुआ, ये बाइट कोड भी आया, बाइट कोड के साथ ये डिस्ट है, डी आई एस टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर जाओ, ये रही एग्जीक्यूट फाइल। तो क्लाइंट को ये दे दो, क्लाइंट ये कैलकुलेटर डॉट ई एक्स ई में डबल क्लिक करेगा, ये कैलकुलेटर खुल गया। लो देख रहे हो यहाँ पर, ये कैलकुलेटर खुल गया। बैक जाओ, ये रही सोर्स कोड। तो ये पूरा पैकेज आप कस्टमर को दे दोगे, ये ले जा भाई कस्टमर पूरा का पूरा, इसके अंदर बाइट कोड भी है, इसके अंदर एग्जीक्यूट फाइल भी है और सोर्स कोड भी है, तू रख ले पूरा, ऐसे ही दोगे आप बना के अपने क्लाइंट को। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में मैं अगर गया, यहाँ पर गया, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो ये आ रहा कैलकुलेटर के साथ बैकग्राउंड कंसोल भी आ रही है ना, ये बैकग्राउंड कंसोल हटाना चाहता हूँ मैं। तो कैसे हटाओगे? बहुत सिंपल है, ये डिलीट किया मैंने ये पूरी की पूरी, जब आप यहाँ पे कमांड मारे थे ना ये, तो साथ में आप यहाँ पे लगा दो हाइफन हाइफन नो कर दो, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे जब अपना प्रोजेक्ट्स करेंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो राइट, और कोई प्रोडक्ट अगर आप तैयार करते हो कस्टमर को देने की बात करें, तो किस तरीके से देते हैं कस्टमर को, इस तरीके से एग्जीक्यूट फाइल बनाकर देते हैं पूरा का पूरा, है ना। वो तो हम प्रोग्रामर के लिए है कि भाई कमांड में ही रन करके देख लिया, पाइथन प्रोग्राम का नाम पाइथन माइनस एम हाई पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल, वो प्रोग्रामर के लिए है। अब देखो, अब यहां पर देखो बैकग्राउंड नहीं आया। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि यार कस्टमर को ये सारी एक्स्ट्रा फाइलें वगैरह नहीं देना चाहता, सिर्फ एक्स ही फाइल देना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए भी यहां पर ऑप्शन है। डिलीट करो एक बार ये सारी चीजें, नो कंसोल के साथ साथ यहां पर लिखो वन फाइल, एक ही फाइल बना भाई, इतनी सारी चीजें नहीं देनी मुझे अपने कस्टमर को, और कस्टमर करेगा भी क्या इतनी सारी चीजें। डन, लो भाई देखो सिर्फ एक सी फाइल आई, बस ये कैलकुलेटर यूज करो राइट। तो इसी तरीके से हम पाइथन में जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो भी हम बनाएंगे, है ना, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम अपने कस्टमर को बेचना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम देंगे। आगे तो पैसा ही कमाना है ना बेच के सॉफ्टवेयर बना के, इसलिए तो पाइथन पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको पता लगा होगा कंपाइलिंग प्रोसेस किस तरीके से बाइट कोड बन के आता है, और उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपसे जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप पाइथन कंपाइल करता है, तो आप लोगों का आंसर यस होना चाहिए। पहले कंपाइल करता है, बाइट कोड बनाता है, फिर बाइट कोड बाद में रन होती है। तो इसी के साथ साथ इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर स्टॉप, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय।